हेलो गाइस, दिस इज साक्षी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डोंट किल मी मूवी की, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हॉरर, रोमांस और थ्रिलर टाइप की मूवी है। बात करें इस मूवी की कॉन्सेप्ट की, तो ये मूवी वेम्पायर पर बेस्ड है। इस मूवी की कहानी में लोग जब एक ड्रग्स को ले रहे हैं और ये ड्रग्स सिर्फ कुछ लोगों की बॉडी में ही सूट कर रही है, जिससे उनमें से कुछ लोग ही वेम्पायर में बदल रहे हैं। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। तो अब इस मूवी की शुरुआत में हम एक यंग कपिल, मिर्ता और रॉबिन को कार में देखते हैं, जहां रॉबिन आंखें बंद करके कार को पहाड़ी रास्ते पर खाई के किनारे चला रहा था और मिर्ता रॉबिन को चरण लेने के लिए गाइड कर रही थी। शुरू में तो ये सब मिर्ता को बहुत फनी लग रहा था, पर जब रॉबिन कार की स्पीड तेज करता है तो वो बहुत ज्यादा डरने लगती है और मिर्ता के मना करने पर भी रॉबिन स्पीड कम ही नहीं कर रहा होता। तभी उनके सामने से आ रही एक ट्रक के बारे में मिर्ता रॉबिन को बताती है और उसे टर्न लेने को बोलती है, पर रॉबिन ट्रक को एकदम नजदीक पर टर्न लेता है और वो एक बंद पड़ी हुई माइन में आते हैं। तो कार से निकल कर मिर्ता रॉबिन पर गुस्सा करती है, क्योंकि अभी वो मरना नहीं चाहती। अब थोड़ा मनाने पर मिर्ता मान जाती है और रॉबिन अपने लिए ड्रग्स बनाकर ड्रग्स लेने वाला ही था, तो मिर्ता भी ड्रग्स लेने की जिद करती है। रॉबिन मिर्ता को वार्न करता है क्योंकि ये ड्रग बहुत ज्यादा अलग है, जिससे मिर्ता का दिमाग भी फट सकता है। तब भी मिर्ता ड्रग कंज्यूम करने के लिए तैयार थी, क्योंकि मिर्ता रॉबिन से प्रॉमिस लेती है कि ये ड्रग्स लेने के बाद रॉबिन फिर कभी ड्रग्स नहीं लेगा। जीने मरने और कभी ना बिछड़ने की कसमें वादे करके दोनों उस ड्रग्स को अपनी आंखों में डालते हैं। अब थोड़ी देर बाद उनकी आंखों में से एक ब्लैक कलर की लिक्विड निकलने लगती है, जिस पर रॉबिन बोलता है कि हम दोबारा जरूर लौटेंगे। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहां मॉर्ग में रॉबिन और मिर्ता की डेड बॉडी को रूम के बाहर से मिर्ता के डैड और पियरो और उसकी मॉम अमेलिया देख रहे थे और अपनी बेटी की मौत से बहुत दुखी थे। और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि रॉबिन की बॉडी को लेने कोई नहीं आया है, और जाहिर सी बात है कि मिर्ता की मौत का जिम्मेदार भी वो सब रॉबिन को मान रहे थे। अब हम एक सिमेट्री में मिर्ता और रॉबिन के ग्रेव के साथ बहुत सारे यंग टीनेज बच्चों के ग्रेव को देखते हैं, जो कि इस ड्रग्स को लेने की वजह से मारे जा चुके हैं। तभी हम मिर्ता की ग्रेव के अंदर से आ रही आवाजें सुनते हैं, जैसे अंदर से कोई उसे तोड़ रहा है। तभी अचानक मिर्ता अपनी कब्र तोड़ कर बाहर आ जाती है। थोड़ा सांस लेने और अपनी फोटो देखने के बाद वो समझ जाती है कि वो दोबारा जिंदा हुई है और उसी की कब्र के सामने रॉबिन की बॉडी की भी नाम पता दफन थी, जिसके पास जाकर मिर्ता फूट फूट कर रोने लगती है। अब रोते चिल्लाते हुए मिर्ता अपने घर जा रही थी, तो उसे रोड पर सामने से एक मिनी ट्रक आते हुए दिखता है, जिसे देखकर वो अपने पास्ट में चली जाती है। जब उनके कॉलेज का एक लड़का एको अपने दोस्तों के साथ एक मिनी ट्रक से पार्टी के लिए जा रहा था, तब एको मिर्ता की फ्रेंड के साथ फ्लर्ट करता है, पर मिर्ता की दोस्त एको को वहां से भगा देती है। उसी ट्रक के पीछे पहली बार मिर्ता ने रॉबिन को देखा था और रॉबिन पर कॉलेज की सभी लड़कियां मरती हैं, इसका पता उसे अपने दोस्तों से चलता है। रात में मिर्ता अपने दोस्त के साथ क्लब जाती है, जहां उसके दोस्त के ऊपर एक लड़का अपने ड्रिंक गिरा देता है, जिससे वो मिर्ता को अकेली छोड़कर वॉशरूम में चली जाती है। मिर्ता को आगे क्लब में रॉबिन दिखता है और रॉबिन को देखते ही मिर्ता स्माइल करती है और रॉबिन एक फ्रीक की तरह मिर्ता की ओर आगे बढ़ता है, जिसे देखकर मिर्ता वहां से क्लब के बाहर की ओर भागती है। पर मिर्ता को सीढ़ियों पर रॉबिन मिलता है, जो कि उसे अपनी गोद में उठाकर क्लब में लाने के बाद रॉबिन मिर्ता के साथ रोमांटिक डांस करता है और मिर्ता भी रॉबिन के साथ रहना पसंद कर रही थी। कुछ दिनों के बाद दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और एक रात जब रॉबिन मिर्ता को घर छोड़ने आता है, तो रॉबिन मिर्ता के साथ उसके घर पे जाने के लिए बोलता है, जिस पर वो रॉबिन को मना कर देती है क्योंकि अंदर उसके पेरेंट्स थे। अब रॉबिन भी उसकी कंडीशन समझकर उसे प्यार से देखते हुए वहां से वापस चला जाता है और मिर्ता गेट के पास बगल वाली झाड़ियों से होते हुए घर में चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है, तो रात में हम मिर्ता को उन्हीं झाड़ियों के बीच से होते हुए घर में जाते देखते हैं। घर में आने पर मिर्ता कुछ खाने के बाद अपने पेरेंट्स के कमरे में जाकर गेट खोलती है, तो मिर्ता को वो सोए हुए दिखते हैं, इसलिए वो अपने कमरे में जाती है और हम देख पाते हैं कि उसकी मॉम भी उसके पीछे पीछे कमरे तक आ गई, जिन्हें देख कर वो अपने कमरे का गेट बंद कर देती है। अपनी मॉम को दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करता देख कर वो दरवाजा खोलती है और मिर्ता के सामने उसकी मॉम भावुक होकर उसे छूती है, तो उन्हें मिर्ता की बॉडी बहुत ठंडी लगती है और ये बात वो मिर्ता को भी बताती है। तभी मिर्ता के डैड उसकी मॉम को ढूंढते हुए उसके कमरे में आने लगते हैं, तो मिर्ता अपने डैड की आवाज़ सुनकर वहाँ से भाग जाती है। और जब मिर्ता के डैड कमरे में आते हैं, तो अमेलिया की हालत देखकर उसे संभालते हैं। उन दोनों को लग रहा था कि अमेलिया ने अपनी बेटी मिर्ता को सपने में देखा है। नेक्स्ट सीन में हम मिर्ता को जंगल में देखते हैं, तभी उसे कुछ लोग जो कि किसी ग्रुप के थे, वो जंगल में आकर मिर्ता को ढूंढने लगते हैं कि वो सब मिर्ता की मदद करना चाहते हैं, पर मिर्ता एक
पेड़ के ऊपर चढ़ गई होती है, जिससे वो फिलहाल के लिए उन सब लोगों से बच जाती है। उन सब के जाने की बात मीरता थक हार कर अपने कब्र के पास आती है तो उसे अपने हाथ की नसों में कुछ ब्लैक ब्लैक दिखता है जो कि उसके दोनों हाथों में फैल रहा था, जिससे परेशान होकर वो एक जनरल शॉप के बाहर आती है तो अब वो ब्लैक चीज उसके पैरों में भी फैल गई थी। शॉप के वॉशरूम में आने पर वो अपने हाथ की उंगलियों से नाखून को निकालती है तो वो भी निकल जाता है। जब मीरता खुद को मिरर में देखती है तो उसे अपनी आंखें काली दिखाई देती हैं और मानो जैसे उसके अंदर से किसी जानवर की आवाजें आ रही हों। खुद को जैसे तैसे संभालते हुए वो शॉप से बाहर आने के बाद सीधे नाइट क्लब में जाती है, जहाँ मीरता को एक इंजीनियर मिलता है जो कि उसके साथ फ्लर्ट करता है। पर मीरता खुद को संभालते हुए क्लब से बाहर जाने लगती है तो उसे बीच में एगो मिल जाता है, जिससे बचने के लिए मीरता उस इंजीनियर का सहारा लेकर क्लब से निकल जाती है। इधर मीरता के घर में उसकी मॉम को लगे सदमे से मीरता के डैड घबराए हुए थे। तभी वहाँ पर उनसे मिलने एक ग्रुप का लीडर लूका आता है और उन्हें मीरता के बारे में बताता है। मीरता अभी जिंदा है और मौत से वापस लौटे लोग सबसे पहले घर आते हैं। मीरता के डैड लूका पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उनकी पत्नी की हालत मीरता की मौत के सदमे से बहुत ही नाजुक हो चुकी है और अगर उसने इस लीडर की फालतू बातें सुनी तो शायद मीरता की मॉम अपनी दिमागी संतुलन को खो बैठेगी। इसलिए मीरता के डैड लूका को घर से जाने के लिए बोलते हैं और लूका जाते हुए उन्हें वार्निंग देता है कि अगर उनकी बेटी घर वापस लौटती है तो उसे अपनी बेटी समझने की भूल ना करे क्योंकि अब वो पहले जैसी नहीं रही। अब लूका ने मीरता के बारे में ऐसा क्यों कहा हम थोड़ी देर में जानेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि मीरता क्लब वाले इंजीनियर को माइन के बाहर ले आई है। इंजीनियर मीरता को पैसे देकर उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है और उसे यही नहीं करना चाहिए था क्योंकि मीरता उस इंजीनियर की गर्दन पर अपनी दांतों से काट कर किसी भूखे जानवर की तरह उसे खाने लगती है और इसी समय उसकी आंखें भी ब्लैक हो गई थी। सीन वापस से पास्ट में आता है जहां हम देख पाते हैं कि रॉबिन मीरता को उसके मॉम डैड और उसके दोस्तों से रिलेशन खत्म करने के लिए उकसा रहा था और मीरता को ये रियलाइज करवा रहा था कि जरूरत में बस वो उसका साथ देगा और मीरता रॉबिन की बातों में आ भी जाती है क्योंकि रॉबिन ने भी अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया था। अब प्रेजेंट में एक इंजीनियर को खाने के बाद मीरता मस्त बिना किसी टेंशन के एक शॉप में आकर फोन चुराती है और हम देख पाते हैं कि टीवी पर न्यूज में उसी इंजीनियर के मर्डर की बात चल रही थी। फोन चुराने के बाद मीरता अपने डैड को कॉल करती है पर कुछ बोल नहीं पाती और रात में वो अपने फ्लैट में जाती है जहाँ वो रॉबिन के साथ लिव इन में रहती थी। अब कुछ ढंग के कपड़े पहनने के बाद हॉल के सोफे को देख कर सोफे पर लेट कर मीरता रोते हुए वापस से रॉबिन के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों को दोबारा याद करती है। तभी उसके डैड अपनी गर्लफ्रेंड सुसी के साथ घर में आकर इमोशनल होकर सुसी को बताते हैं कि वो जानते थे मीरता यहाँ रॉबिन के साथ ड्रग्स लेने आती है, फिर भी वो इस फ्लैट का रेंट देते रहे जिसका गिल्ट उन्हें आज भी था। सुसी मीरता के फादर को सेड्यूस करके उन्हें समझाती है कि उनकी कोई गलती नहीं है पर मीरता के डैड सुसी को दूर कर देते हैं तो सुसी घूमते घूमते हॉल में आती है जहाँ मीरता सुसी पर हमला करके उसे खाने लगती है क्योंकि मीरता ने सुसी को उसके डैड को भड़काते हुए सुन लिया था। सुसी की आवाज सुनकर उसके डैड भी हॉल में आकर मीरता को अपने सामने खून में लथपथ देखकर शॉक्ड होते हैं। तभी वहाँ पर उसी ग्रुप के लोग आकर मीरता और उसके डैड दोनों को गोली मारकर जमीन पर गिरा देते हैं। मीरता पर उनकी गोलियों का कोई असर नहीं हुआ होता इसलिए वो उनसे बचते हुए खिड़की तोड़कर नीचे कूद जाती है। अब नीचे उस कल्ट के लोग पहुँच कर मीरता को शूट कर रहे थे पर मीरता आगे भागती ही जा रही थी। तभी एक औरत सारा मीरता को अपनी बाइक पर बैठा कर वहाँ से बचा कर ले जाती है। सारा मीरता को अपने घर लेकर उसके शरीर से गोलियां निकालती है। सारा मीरता को बताती है कि उस कल्ट के लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। वो 17th century से ही विचेस को मार रहे हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी उनका साथ देती है क्योंकि उन्हें कोई पकड़ नहीं पाता। हम देख पाते हैं कि वो लोग मीरता के डैड और सुसी की बॉडी को अपने साथ ले जा रहे हैं। सारा भी मीरता की तरह ही एक ओवर डेड है। मौत से वापस आने वाले को वो ग्रुप वाले उन्हें ओवर डेड बोलते हैं और वो सब उनका शिकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी मौत से लौटते हैं वो अपने अंदर एक खास हुनर के साथ एक ऐसी भूख लाते हैं जिससे ओवर डेड आम लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं। अब मीरता और सारा के बीच में थोड़ी बातें होती हैं जिसमें मीरता अपने फादर के खोने का गम जाहिर करती है। नेक्स्ट सीन में सारा मीरता को एक इंसान को मारना और खाना सिखाती है तो दोनों को डिनर करने के बाद हम सुबह में उन्हें शहर से बाहर जाते हुए देखते हैं। सारा मीरता को अपने सीक्रेट बेस में ले जा रही थी पर मीरता बिना रॉबिन के इस शहर में नहीं जाना चाहती। सारा उसे समझाने की कोशिश करती है पर मीरता कार से कूदकर खाई में गिर जाती है। मौत का डर ना हो तो लोग कुछ भी कर लेते हैं। अब मीरता सेमेट्री में आती है तो उसे रॉबिन के कब्र के आगे एक और रोते हुए दिखता है। मीरता को सामने देखकर
मारी को शौक था। दोनों रात में एको के घर पर आते हैं, जहां एको मीता को नहाते हुए देखता है और फिर गांजा पीते हुए मीता को बताता है कि रॉबी ने उसे बताया था कि उसे किसी वैम्पायर या वेयरवुल्फ में काट लिया है। और जब से मीता रॉबिन की लाइफ में आई है, उसने उन दोनों को दूर कर दिया है। मीता एको से सॉरी बोलती है तो एको मीता के साथ डांस करते हुए उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। तभी मीता वैम्पायर में बदल जाती है, जिसे देखकर एको अपना गला काट मीता को उसे भी वैम्पायर में बदलने को बोलता है, पर मीता उसकी गर्दन से खून निकालकर पीने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम सारा को देखते हैं। जब वो अपने होटल के रूम में पहुंचती है तो वो कल्च वाले लोग उस पर हमला कर देते हैं। सारा उनमें से दो को तो मार देती है, पर उसे अंदर लूका बैठा दिखता है और सारा को पीछे से एक आदमी आकर इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपने साथ ले जाता है। उधर मीता सेमेट्री में वापस आकर रॉबिन की कब्र को तोड़ती है तो उसमें उसे कोई नहीं मिलता। तभी उसके पीछे भी उस ग्रुप का एक आदमी आकर उसे भी अपने साथ इलेक्ट्रिक शॉक देकर ले जाता है। जब मीता को होश आता है तो वो खुद को लूका के सामने जंजीरों में कैद पाती है। मीता लूका को उसे मारने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर लूका खुद को इंट्रोड्यूस करके मीता को बताता है कि उन जैसों को मारने के लिए एक लंबा प्रोसीजर है, पर वो मीता को नहीं मारेगा क्योंकि मीता बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो उनकी खास आदमी की अमानत है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रॉबिन है। अब रॉबिन कमरे में आकर मीता को जंजीरों से छुड़ाकर उसे अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में लाता है, जहां वो दोनों वैम्पायर बनके एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। हम उनके बीच की बातों से समझ पाते हैं कि रॉबिन के एक दोस्त को जब ओवरडेड ने उसके सामने खाया तो वो उस ग्रुप वालों से मिला ताकि वो लूका के साथ मिलकर उन ओवरडेड को मार सके। इसलिए उसने मीता के साथ वो ड्रग लिया और अपने साथ मीता को भी उसने एक ओवरडेड में बदल दिया ताकि वो दोनों लूका का साथ दे सके। अब ये सब जानकर मीता रॉबिन को अपना किलर मानने लगती है, क्योंकि रॉबिन ने उसकी मर्जी के बिना उसे ओवरडेड में बदल दिया। मीता का भरोसा रॉबिन से उठ गया था, इसलिए वो सो ही नहीं पाती। वो कमरे से बाहर निकलती है। बाहर आते ही उसे सारा की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी, जो कि आ रही थी ऊपर वाले रूम से। अब हम देख पाते हैं कि लूका सारा को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे तड़पाकर मार रहा होता है। मीता कमरे के बाहर आती है और लूका पर हमला करके उसे बेहोश करने के बाद मीता सारा को अपने साथ लेकर बिल्डिंग से बाहर ले जाने लगती है। तभी उन्हें गैलरी में लूका के आदमी पकड़ लेते हैं। अब वो सब उन दोनों के हाथ बांध वापस ले जाते, उससे पहले उन पर मीता हमला करके उन सबको जान से मारने लगती है। देखते ही देखते वहाँ बहुत से आदमी आ जाते हैं और उन सबको मीता एक एक करके मार देती है। अब मीता बिल्डिंग के बाहर सारा को एक कार में बैठाती है। तभी मीता को रॉबिन आकर पकड़ लेता है। रॉबिन उससे बोलता है कि उसने उसे गिफ्ट दिया है, तो मीता रॉबिन का गला पकड़कर उससे बोलती है कि ये कोई गिफ्ट नहीं है और वो अब मीता नहीं है, क्योंकि उसने मीता का मर्डर कर दिया है। मीता रॉबिन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहाँ से सारा के साथ निकल जाती है। और अब हम मूवी के लास्ट सीन में देख पाते हैं कि सारा मीता को समझा रही होती है कि उसे कैसे छुपकर अपने विक्टिम्स का शिकार करना है, और हम मीता के एटीट्यूड से समझ पाते हैं कि अब वो बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।